इसमें आता है 600-650 आउटपुट का रहता है, ये स्टूडियो का रहता है, स्टूडियो मेकर का स्पीकर होता है। ये जो होता है 4 इंची वॉइस कॉल में होता है, जिसको बेस ज़्यादा चाहिए होता है टॉप में, उसके लिए ये सफिशियंट चीज़ है। जिसके पैट्स, प्लांट्स, मशीनरी एंड मोटिवेशनल से जुड़ने के लिए 2PM अर्थात पैट्स, प्लांट्स, मशीनरी एंड मोटिवेशनल से जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, आज का वीडियो विशेष होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसकी लंबे समय से डिमांड की जा रही थी कि स्पीकर की पूरी रेंज हमें बताइए, ताकि हम डीजे का स्पीकर खरीद सके, हाइस खरीद सके, नेटवर्क खरीद सके। साथ में इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ बताई जाने वाली है वो यह है कि आपके जो स्पीकर है सबसे ज़्यादा ख़राब क्यों होते हैं, क्योंकि दुकानदार तो आपको उस आइटम बेच देता है, लेकिन वो ये बताता नहीं कि ऐसा बेचने से या ऐसा खरीदने से या ऐसा करने से आपकी जो फ्यूज़ होता है वो उड़ जाता है स्पीकर का, और स्पीकर ख़राब हो जाता है। तो इस वीडियो में ये भी मैंने शामिल किया है। तो अगर आप डीजे का व्यापार करना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पेट्स, प्लांट्स, मशीनरी देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही हेल्पफुल कॉन्टेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए मैं आज आपको लेकर जाता हूँ वैरायटी इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जो कि इंदौर के होलसेल मार्केट महारानी रोड पर स्थित है, और ये पूरा मार्केट साउंड सिस्टम का है। तो आप जाइए, खरीदारी करिए और डीजे का व्यापार करिए और अपने आप को बड़ा आदमी बनाइए, क्योंकि यह एक ऐसा व्यापार है जो आपको बड़ा आदमी बना सकता है, बस आवश्यकता है इसको लगन से करने की। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वापस स्वागत है आपका डायनामिक इलेक्ट्रॉनिक वैरायटी इलेक्ट्रॉनिक में। आपके लिए वापस लाए हैं बड़े बड़े सेटअप, डीजे सेटअप, पिकअप सेटअप जो होते हैं वाले, आइसर सेटअप होते हैं, 3D, 4D और 7D के जो आ रहे हैं अभी हाल, पूरे सेटअप, ठीक है ना। ये होते हैं बेस 2000 वाट में, अभी जो रनिंग में चल रहे हैं ये 2000 वाट बेस आते हैं अभी हाल, बहुत शानदार हैं। इन पे जो बड़े बड़े सेटअप लगते हैं 10000 वाट या 12000 वाट MOSFET, इनके ऊपर अवेलेबिलिटी रहती है उनकी। जो हाई प्रोफाइल डीजे होते हैं 12-12, 16-16 बेस के, ये 2000 वाट आते हैं। फिर उसकी प्राइस का था, क्या रेट का था ये? सर क्यूबिक्स कंपनी का है ये, एक स्पीकर पड़ता 18000 रुपये का एक। अच्छा। क्यूबिक्स कंपनी का हाई डीजे है, हाई प्रेशर वाला स्पीकर। अच्छा, ये अन्य दुकानों पर लेने जाएं कितना पड़ता है ये वाला? ये सर इसमें स्टार्ट, ये क्यूबिक्स का तो एक ब्रांड है, ठीक है ना। ये ब्रांड लेने जाएंगे दूसरी दुकान पे तो ये मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा ब्रांड है, ये अपने पास ही होता है। बाकी अदर ब्रांड में जैसे A+ वगैरह रहते हैं, ये अदर ब्रांड मिल जाएंगे आपको 14000-15000 की रेंज में, नॉमिनल 2000 वाट में। बाकी इनमें और इनमें बहुत अंतर है, ये थोड़ा हाई प्रेशर में हाई लेवल का रहता है, जो कि पंच और प्रेशर लंबा फेंकता है। ये नॉमिनल 2000 वाट होता है, बाकी ये 2000 वाट भी बहुत शानदार स्पीकर A+ का। क्या रेट चाहिए? ये स्पीकर 14500 का है, 11-2000 आएगा ये, 14500 का स्पीकर। ये देखिए की गारंटी है, अगर कोई ठोकर गारंटी वारंटी क्या रहती है? गारंटी वारंटी सर इनमें गारंटी वारंटी नहीं होती है, इनमें सिर्फ मैग्नेट जो होता है ना, इनकी एक साल की वारंटी होती है। अगर शॉर्ट हो जाते हैं चलते चलते और बनवाने पे वापस वैसा साउंड नहीं फेंकते हैं हाथों हाथ 6 महीने में, तो रिप्लेस हो जाता है पूरा कंपनी से। बाकी पर्दा और कॉइल की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि वो चलने के ऊपर होता है, अपने ऊपर, जैसा आप चलाएंगे वैसा चलेगा। ये जो होता है ये 3000 वाट स्पीकर है, ये साउंड प्लस का स्पीकर है, ये नॉमिनल स्पीकर है, मतलब नॉमिनल जिसका बजट कम होता है, PD स्पीकर लेना है तो इसमें बजट कम होता है, मात्र 13000 रुपये का स्पीकर आता है 3000 वाट में, ठीक है ना। आउटपुट 3000 वाट आएगा और 18 इंची का बेस होगा डबल वूफर में, हेवी में, PD में। इसमें नॉमिनल में जिसका बजट कम है वो बजट कम में भी बहुत शानदार स्पीकर बना सकते हैं, ठीक है ना। ये सेटअप होता है पूरा, ये 4 बेस 8 बेस का जो सेटअप आता है इनमें भी बन जाता है ये हाई प्रोफाइल में। इसके बाद आते हैं फिर 15 इंच, ये डबल 15 जो आते हैं, ये डबल 15 में ब्लू लीजेंड नेक्स्ट ऑडियो का स्पीकर आता है। इसमें जो टॉप शुरू होती है वो 25000 की रेंज से स्टार्ट होती है, दो टॉप प्रोफेशनली स्टील मैग्नेट होता है, जैसे ये बेस देख रहे हैं आप, बेस के हिसाब से मैग्नेट आता है। स्टील मैग्नेट में जो होता है इसमें जो उड़ने की जो क्षमता रहती है वो पूरा पकड़ के रखती है, ठीक है ना, कॉइल को उड़ने नहीं देती है ये स्टील मैग्नेट, बहुत शानदार आता है ये। ब्लू लीजेंड का एक स्पीकर आता है करीबन 4300 रुपये का। ऊपर बताइए इसको, ये देखिए ब्लू लेजेंड का मिड बेस का स्पीकर है, हाई मिड आएगी इसमें। और उसके बाद फिर नॉमिनल रेंज में जाते हैं अपन 12 इंच में, तो फिर ये आते हैं स्पीकर छोटी, अगर जिसके घर में बजाना या छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं तो ये 250-300 वाट की एम्पलीफायर होती है उन पे ये स्पीकर होते हैं। डबल 12 की पेयर बनती है, मात्र 7000 रुपये की बनती है ये, और 7000 का एम्पलीफायर आता है, मतलब 15000 में आपका सेटअप घर के लिए तैयार हो जाएगा छोटे मोटे फंक्शंस के लिए। ये कितने का पड़ता है ये स्पीकर? ये एक स्पीकर पड़ता है सर 800 रुपये का, मात्र।
ये देखिए 1000 वाट का स्पीकर होता है बेस का, जैसे अपन ने अभी जो देखे 2000 वाट 3000 वाट के देखे, ये स्टूडियो का होता है 1000 वाट का बेस नॉमिनल, जिसका बेस का जो 20000-25000 का जो बजट होता है ये उसके लिए होता है। क्या रेंज का है ये? ये एक स्पीकर आता है 8500 रुपये का मात्र। 8500 रुपये का, ठीक है। 20 से 22000 में पेयर कम्प्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। उसके बाद ये स्टील में भी आता है 18 इंच का, और अगर 18000 का रेंज आता है आपका बेस में तो ये 18000 में 1000 वाट में स्टील मैग्नेट भी कम्प्लीट हो जाते हैं 1000 वाट बेस। उसके बाद फिर सेटअप जो होते हैं बड़े बड़े सेटअप होते हैं जिसमें 4 टापें लगती है, बेस का जो सिस्टम हो गया ये हो गया। इसके बाद जो आइसर पे लगाते हैं और अपना पिकअप पे स्टार्ट करते हैं अपन सिस्टम, तो उसके लिए स्पीकर होते हैं 15 इंच के। इसमें जो 400 वाट आता है, 400 वाट के बाद आप 500 वाट स्टील मैग्नेट लगा सकते हैं। 500 वाट कितने का पड़ता है ये? ये एक स्पीकर पड़ता है 5500 रुपये का। 5500। इसमें अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग रेंज होती है। इसमें आप क्यूबिक्स का बहुत शानदार मॉडल लेना चाहते हैं तो ये आता है। ये आता है चैलेंजर मॉडल में आता है। एक समय था कि ये चैलेंजर मॉडल बहुत शानदार चलता था। ये चैलेंजर मॉडल जो आता है ये अभी भी चलता है, क्यूबिस कंपनी में आएगा ये। ये जो पर्दा होता है ये इम्पोर्टेड जापान का पर्दा है, ठीक है ना। ये जापान का स्पीकर है, क्यूबिक्स का, यहाँ का नहीं है, इम्पोर्टेड में है। ये जो थाईलैंड का स्पीकर आता है पियर्ड होगा, उसका सेम टू सेम वर्जन है हाई में अभी हाल। कितने का पड़ता है ये? ये सर एक स्पीकर पड़ता है 8500 का, एक स्पीकर है। इसमें अगर ये 600 वाट स्पीकर है, इसमें 500 वाट अगर लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। ये क्यूबिक्स का 500 वाट का आता है स्पीकर, ये 500 वाट का आएगा। ये जो 300 वाट 400 वाट के ऊपर जो 500 वाट की रेंज होती है ये लॉन्ग थ्रू के काम आती है, लंबी दूरी के किलोमीटर के हिसाब से जो आवाज़ जाती है। इसमें वूफर लगा होता है, ये डबल वूफर होता है, इसमें बेस की कमी नहीं आती है। इसमें ये एक स्पीकर पड़ता है 6500 रुपये का। इसमें फिर 226 आता है स्टूडियो का। इसमें आता है 600-650 आउटपुट का रहता है, ये स्टूडियो का रहता है, स्टूडियो मेकर का स्पीकर होता है। ये जो होता है 4 इंची वॉइस कॉल में होता है, जिसको बेस ज़्यादा चाहिए होता है टॉप में, उसके लिए ये सफिशियंट चीज़ है। जिसके लाइव प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं, लाइव प्रोग्राम के हिसाब से शानदार चीज़ होती है। कितने का पड़ता है ये? एक स्पीकर पड़ता है 8000 रुपये का। ये जो हाइज होती है ये मात्र 650 रुपये की है। इसमें नेटवर्क लगा सकते हैं अपन, ठीक है ना। तीनों में से कोई से भी, सब शानदार बढ़िया क्वालिटी की है। ये आती है 600 रुपये की, ये आती है 650 रुपये की, ये आती है 800 रुपये की। इसमें एक सस्ती वाली भी आती है, वो अगर कोई लेने की जो नॉर्मल जिसका रेंज रहती है, छोटी सस्ती वाली मात्र 350 रुपये की आती है। ये 350 की भी आती है नेटवर्क। और ये बड़ी वाली? ये फिर बड़ी वाली आती है, ये नेटवर्क करीबन 1000 रुपये की होती है, आहूजा कंपनी की होती है। फिर ये बड़े जो हाइज होती है ये 110 वाट की हाइज होती है। ये डीजे सेटअप में जो बड़े सेटअप होते हैं उसके लिए होती है। ये हाइज 110 वाट की 850 मॉडल नंबर होता है, इसके लिए ये सफिशेंट होती है। ये दोनों का सेट होता है। क्या रेंज है ये हाइज जो आती है? ये हाइज आती है 3200 रुपये की एक हाइज। और ये छोटी? ये क्यूबिक्स की है, ये 850 रुपये की एक हाइज है। इसके लिए फिर ये इम्पोर्टेड यही वाली लगती है, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक सेटअप रहता है, झनकार क्लियर और साफ सुथरी निकलती है लाइव फंक्शंस के लिए। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसके ये ले लेते हैं और फिर ये ले लेते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है सर कि ये जो होती है ये बड़ी हाइज है, अगर इसके ऊपर ये डालेंगे तो ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं ना ये गलने लग जाएंगे, ये चिपकने लग जाएंगे, जलने लग जाएंगे। तो ये इसके कारण फिर ये हाइज के जो अंदर के डायफ्राम होते हैं, पत्ते होते हैं, वो भी उड़ जाते हैं और ये पूरी की पूरी प्लेट जल जाती है। उससे ये होता है कि फिर दूसरी प्लेट लेना पड़ती है, इससे अपने स्पीकर पे भी इफेक्ट पड़ता है और साउंड भी ख़राब हो जाता है और नाम जो ख़राब होना वो तो हो गई। इसीलिए ये हाइज के ऊपर अगर ये प्रॉपरली तरीके से जो नेटवर्क नहीं लगाते हैं तो वो सिस्टम मतलब यान के लिए हाइज का बिना आधा हो जाता है। तो ये हाइस और ये नेटवर्क का लगाना जरूरी है और तरीके से लगाना जरूरी है, जिसके ऊपर जो सेटिंग होती है, जितने वाट की अगर हाइस ले रहे हैं उतने ही वाट की आपको नेटवर्क लेना जरूरी पड़ेगा। अच्छा बहुत सारे लोग क्या है कि पहली गलती तो ये करते हैं कि वो जो सिस्टम लेते हैं, ठीक है ना, वो सिस्टम या तो गलत जगह से ले लेते हैं या जिससे लेते हैं वो प्रॉपरली तरीके से
बना करके नहीं देता पूरा सेटअप, ठीक है ना, बस वो दे देता है। और तीसरी बात होती है चलाने का तरीका, चलाने का तरीका अगर अपने पास है तरीके से चलता है तो वो शानदार है। क्योंकि नॉर्मल जो डीजे स्टार्ट होते हैं वो 1.5 लाख से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, 1.5 लाख में भी प्रॉपरली अगर डीजे देता है दुकानदार आपको तो वो भी चला सकते हैं आप। 2 बेस 4 टाप का सिस्टम आता है, बढ़िया आता है, ठीक है ना। पर ये जो छोटी छोटी आइटम मैं बताई ना आपको मैंने, ये अगर सही तरीके से नहीं लगेगी ना उसमें तो ये डायफ्राम, इसके डायफ्राम उड़ते हैं, ये उड़ जाते हैं तो वो झनकार बंद हो जाती है, और झनकार बंद हो गई ना तो आपके सेटअप का वॉल्यूम आधा हो जाता है। अब वो आधा वॉल्यूम तो अपन सेटअप चला नहीं सकते ना, क्योंकि लोगों को नाचना गाना पड़ता है और वहाँ पे सेटअप फेल हो जाते हैं। यही कारण रहता है कि पूरा प्रॉपरली सेटअप तैयार नहीं होता उनका। अगर वो प्रॉपरली तरीके से जो ये मॉस्फेट आते हैं मॉस्फेट तरीके से मिल जाए पूरे प्रॉपरली, जो अपन स्पीकर वॉट ले रहे हैं वॉट के हाइस के हिसाब से, तो वो रनिंग में चलता रहता है 6 से 8 घंटे। और अगर वो हाइस कम ले रहे हैं और मॉस्फेट नॉर्मल ले रहे हैं तो वो बार बार उड़ाएंगे, या तो हाइस उड़ेगी स्पीकर उड़ेंगे या फिर मॉस्फेट उड़ जाएगा। ये समस्या रहती है कि नॉमिनल डीजे में वो पैसा जो लगा होता है 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख वो बिल्कुल। कितने रुपए बचाने के चक्कर में डीजे फेल हो जाता है, अगर जो खरीदार को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, आपकी दुकान पर अगर कोई आता है तो कितने रुपए बचाने के चक्कर में पूरा डीजे फेल कर लेता है, लाखों रुपए डूबो देता है। सर पहली तो मैं बात बताऊंगा, अगर किसी को भी डीजे लेना हो तो माइंड सेट करके आएँ। आप ये माइंड सेट करके ना आएँ कि मेरे को मार्केट से उधारी मिल जाएगा, ठीक है ना। पहली बात तो उधारी का दिमाग से निकाल दें, और उसके बाद थोड़ा पैसा लगाना चाहते हैं तो कम से कम डीजे में 2.5 से 3 लाख रुपये लगाएँ, ठीक है। क्योंकि 2.5 से 3 लाख में अगर कम लगाएंगे आप तो सीधी सी बात है आपको माल हल्का मिलेगा, सस्ता मिलेगा, और वो आप आगे लंबा नहीं जा पाएंगे, जा पाएंगे बाकी लंबा नहीं जा पाएंगे। इसलिए उधारी मत करिए, पूरा क्लियर कैश करिए, और जहाँ से भी लें ब्रांडेड दुकान से लीजिए, ठीक है ना। मतलब छोटी मोटी दुकान से मत लीजिए जिसके यहाँ कि कोई लेके आता है साथ में कि चलो मैं दिला देता हूँ। आप पहले सर्च करिए उसके बाद आइए और ब्रांड माल खरीदिए, आप ब्रांड माल खरीदिए। अच्छा मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई डीजे मतलब जो चलाता है तो उसको क्या सावधानी रखनी पड़ती है डीजे को लंबे समय उम्र देने के लिए? सावधानी सर ये रखना पड़ती है कि पहली बात तो जो जनरेटर डीजे सेट होते हैं पूरी गाड़ी के, ठीक है ना, वो प्रॉपरली तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस उसके बाद जो मिक्सर ऑपरेट करता है वो जो होता है वो तरीके से चलाए, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है अभी भी नए होते हैं, केवल मोबाइल निकाला और चलाने लग गए, तो वो सेटिंग जो होता है ना सब कुछ मेन सेटिंग ही होता है तरीके से चलाने का। और जो पावर मॉस्फेट वगैरह रहते हैं अपने, ये जो मॉस्फेट सेटिंग होता ना ये सब कुछ है, क्योंकि इसको सेटिंग कर लिया ना तो आपने डीजे चला लिया। क्योंकि जो वोल्टेज रहता है सेटिंग का, ये वोल्टेज सेट करके शुरू से आखिरी तक लगना पड़ता है। अगर शुरू से आखिरी तक नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका डीजे सेटअप फेल हो जाएगा। और आप और कुछ कहना चाहेंगे? आप डीजे सेटअप लेने के कोई भी इच्छुक हैं तो हमसे कांटेक्ट करिए आप, ठीक है ना। डायनामिक इलेक्ट्रॉनिक वैरायटी इलेक्ट्रॉनिक इंदौर में 37 महारानी रोड पे हैं। आपको सलाह लेना है या डीजे लेना है, अगर डीजे लेना है तो पहले सलाह लीजिए, और लेना है तो बिल्कुल आइए। सलाह के पहले आप डीजे लेने के पहले आपको सलाह दी जाएगी, उसके बाद सेटअप लेंगे। भैया बहुत सारे लोग आपको कॉल करते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? एक ही निवेदन है कि मध्य प्रदेश इंदौर शहर में दुकान है हमारी, ठीक है ना। आप इंदौर आ सकते हैं या आप बाहर के भी हैं। बाहर में क्या होता है कि पेमेंट पहले देना होता है, यहाँ से डिलीवरी तो हो जाती है। आप अगर हैं तो पहले पेमेंट लगेगा, उसके बाद डिलीवरी होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप मध्य प्रदेश के आसपास हैं और जो आ सकते हैं यहाँ पे डीलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं तो ही कॉल कीजिए, नहीं तो आप कॉल मत करिए। क्योंकि क्या होता है कि वो बेफिजूल बात करेंगे अपन, उसके कोई रीज़न नहीं निकलेगा, ना आप आएंगे लेने के लिए ना मैं आपको दे पाऊँगा, सिर्फ आप बात करेंगे। हाँ जानकारी लेना है तो आप कहीं से ही फ़ोन कर सकते, जानकारी बिल्कुल दी जाएगी आप। धन्यवाद।